सरकार कह रही है भीड़ इकट्ठी करने से कानून वापस नहीं लेंगे। देखिए ये सरकार का अहंकार है, रुक जाओ, ये सरकार का अहंकार है, भीड़ इकट्ठे करने की बात नहीं है, ये जनता की आवाज़ है, किसान की आवाज़ है। सरकार का, नेताओं का, प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य है कि वो इन जनता की आवाज़ सुने, उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। ऐसा कहना कि भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, किसानों के लिए अपशब्द कहना, उन्हें कभी आतंकवादी कहना, कभी देशद्रोही कहना, ये बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री बनते हैं, जो सरकार बनाते हैं, जो नेता होते हैं, उनका कर्तव्य होता है, उनका धर्म होता है कि जनता की आवाज़ को सुने। जी, आपने राजीव जी का भी जिक्र किया कि किस तरीके से उन्होंने बात सुनी थी जी, आपको लगता है कि आज प्रधानमंत्री को उस बात से सीख लेनी चाहिए, सुनना चाहिए कि किसान क्या कह रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है। आपको लगता है क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री सुनते क्यों नहीं है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी अब जनता से अलग हो गए हैं, 7 साल सत्ता में रहे हैं, भूल गए हैं कि सत्ता में सत्ता देने वाले जनता में है, आम जनता है, भूल गए हैं इस बात को, अलग हो गए हैं जनता से। उनकी जो नीतियां हैं अब वो जनता की भलाई के लिए नहीं बन रही हैं, वो नीतियां आज पूरी तरह से उनके जो खरबपति मित्र हैं उनकी भलाई के लिए और उनके उत्थान के लिए बन रही हैं।